दोस्तों, बाइबल में मरकुस 16:15 में लिखा है, और यीशु ने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा चेलों को दी गई इस आज्ञा को चेलों ने पूरी आज्ञाकारिता के साथ माना और इस आज्ञा पर चलकर कई देशों और कई इलाकों में सुसमाचार का प्रचार किया, जिससे आगे चलकर आज दुनिया के हर एक देश में और हर एक हिस्से में सुसमाचार पहुँचा है और सुसमाचार प्रचार का कार्य आज भी होता आ रहा है। और आज के समय में पवित्र आत्मा की अगुवाई में परमेश्वर के दासों जानकी पास्टर और विश्वासियों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसके बारे में पिछले कल अपोस्टल अंकुर जोसेफ निरोला जी ने मीटिंग के दौरान चर्च में आए सभी विश्वासियों के साथ और ऑनलाइन देखने वालों के साथ शेयर किया। और इस बड़ी गुड न्यूज़ को सुनकर उत्तर प्रदेश के सभी विश्वासी जो खांबरा चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस गुड न्यूज़ के बारे में। दरअसल दोस्तों, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री की मीडिया टीम ने 2 दिन पहले यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर एक पोस्टर शेयर किया था, जो कि उत्तर प्रदेश में ओपन की गई नई चर्च ब्रांच को लेकर था। और इस चर्च ब्रांच में पिछले कल पहली बार ऑनलाइन मीटिंग हुई, जिसमें हज़ारों की संख्या में विश्वासी पहुँचे हुए थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस चर्च ब्रांच का एड्रेस ये है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। दोस्तों, अब हम आपको इस चर्च ब्रांच से सामने एक वीडियो क्लिप भी दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं उस वीडियो क्लिप को। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासकर उत्तर प्रदेश के उन विश्वासियों के लिए जो अंकुर नरोला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं। और इस चर्च ब्रांच को लेकर हमें प्रार्थना करनी है कि इस चर्च ब्रांच के द्वारा उत्तर प्रदेश में भी हमें बड़ी बेदारी देखने को मिले। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएँ। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।